खबर पौड़ी से आ रही है, जहां निलंबित कार्मिकों को बहाल करने की मांग को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। बता दें कि कर्मचारियों ने विभागीय कार्यों से दूरी बनाए रखी, जिससे कार्यालय में अधिकांश कार्य प्रभावित रहा। वहीं कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार के दिन भी पौड़ी आरटीओ कार्यालय में कार्य बहिष्कार जारी रखा। बता दें कि कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण पूरे दिन आरटीओ कार्यालय में लोगों के काम नहीं हो सके। वहीं लोगों को बिना काम कराए ही निराश होकर लौटना पड़ा। कार्य बहिष्कार कर आरटीओ कार्यालय में धरना देते हुए संघ की जिला अध्यक्ष मीरा रावत ने कहा कि रुद्रप्रयाग हादसे के बाद विभागीय कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, इससे विभागीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों में आक्रोश है। उच्च अधिकारियों ने बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन निलंबित कर्मचारियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त तक पूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हमारे कर्मचारी जो परिवहन विभाग के हैं, ये लगातार तीसरे दिन अपनी हड़ताल पे हैं, और इनकी डिमांड ये है कि जून में एक रुद्रप्रयाग में रेतोली में बस दुर्घटना हो गई थी, उसमें कुछ कर्मचारी हमारे जो है सस्पेंड हो गए थे, तो उनकी बहाली के लिए हड़ताल पे हैं। जो आवेदक हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत ही कम आवेदक आ रहे हैं, लोगों को पहले से सूचना दे दी गई थी कि कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, तो कमी बहुत कम लोग आ रहे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको बता दिया जा रहा है कि तुम स्ट्राइक को जैसे ओपन होगी तो उनके सारे काम पूरे कर दिए। हमारी मांग ये है कि जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था रुद्रप्रयाग में, उसमें हमारे 4 कर्मियों को निलंबन किया गया था, उनकी बहाली के लिए हमारा ये 4th दिन है आज धरने का। हम यही सूत्रीय मांग है हमारी, जो निलंबन हुए कर्मचारी उनको तुरंत बहाल किया जाए। और विपरीत परिस्थितियों में जब यात्रा ड्यूटी होती है, तो विपरीत परिस्थितियों में कार्मिकों द्वारा यात्रा ड्यूटी की जाती है, और इस यात्रा ड्यूटी के दौरान निलंबन की कार्रवाई हो तो इसे ये जायज नहीं है। इसीलिए सभी ये कार्मिक रोष में हैं, और इसीलिए हमारे धरना प्रदर्शन है, और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारा ये कार्यक्रम।